हेलो दोस्तों, अपना गार्डन चैनल में आपका स्वागत है। आज की मेरी वीडियो है बर्ड ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग पर है। मैं जो ये बर्ड ग्राफ्टिंग की है इसकी एयर लेयरिंग करने वाला, क्योंकि ये पौधा काफ़ी लंबी ब्रांच पे ये बर्ड ग्राफ्टिंग की थी मैंने और ये सक्सेस रेट भी अच्छी रही थी। मैं आपको बर्ड ग्राफ्टिंग का तरीका भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने बर्ड ग्राफ्टिंग की थी पहले, ये बर्ड ग्राफ्टिंग वो पहले वाली वो अलग थी, ये मैंने अभी की है, ये इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, इसका तरीका दिखा रहा हूँ आपको। अभी मैंने इसकी चाल को ब्लेड से थोड़ा काट लिया, या फिर कोई टीका चाकू ले सकते हैं आप, चाकू से ज़्यादा कट सकता है, टीका ब्लेड ले लें उसके। ये दोनों तरफ की साइड से मैंने इसको चाल को थोड़ा उकाट दिया था। मैंने इसकी जो जिस पौधे की आपको ग्राफ्टिंग करनी है उसकी छोटी छोटा नोड एरिया ले लें और उसको काट लें और इस तरह से इसके अंदर डाल दें। ये थोड़ा उखाड़ के मैंने इसके अंदर डाला था, दोनों तरफ से उखाड़ के डाला था। अच्छे से डालने के बाद इसको मैंने रैपर से छोटी थैली से इसको बांध दिया था और अच्छे से टाइटली ऊपर से धागा बांध दिया था, जिसके कारण इसकी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी रहती है। अब ये इसका सक्सेस रेट मेरे हिसाब से तो लगभग 98% है, क्योंकि मेरी एक दो बट ग्राफ्टिंग फेल हुई है, क्योंकि वो पहले से जो मैं टैनी लेके आया था वो ख़राब थी। इसलिए अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हम आपको इसका रिजल्ट दिखा रहा था, मैं इसकी एयर लेयरिंग दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो ये बट ग्राफ्टिंग की थी, मैं इसके थोड़ा नीचे से इसका पौधा तैयार करने की सोच रहा हूँ, इसलिए मैं नीचे से इसकी वो करने वाला हूँ एयर लेयरिंग। ये काफ़ी लंबा पौधा हो गया था, ये साइड में अनार का पौधा आप देख पा रहे हैं, लगभग 3 फुट का है। यहाँ पे जो मैं चाकू से कट दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं एक उंगली के इतना काट लूँगा। काटने के बाद मैं इसको थैली से बांधूँगा। ये देखिए, मैंने कट लगा लिया है। इस कट को अच्छे से साफ़ कर दें चाकू से या ब्लेड से, इसको अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि ये जो साल है इसकी बाद में अच्छे दोबारा ना जुड़ पाए। जिस अगर दोबारा जुड़ जाएगी तो इसमें जड़ें नहीं निकल पाएंगी, अगर जुड़ नहीं पाएंगी तो ये जड़ निकालने की कोशिश करेगा, और जिसके कारण ये अलग पौधा तैयार कर सकते हैं। बाद में मैं इसको नीचे से काट लूँगा और अलग से पौधा लगा दूँगा इसका मैं। वैसे गुलाब की एयर लेयरिंग काफ़ी आसान होती है। ये मैं इसको ऐसे इसके चारों तरफ से मिट्टी पूरी कवर कर जाए ऐसे बांध दूँगा इसको। ऐसे बांधने से इसका अच्छी जड़ों की ग्रोथ हो जाएगी चालू। ये मैं इसको ऐसे बांध दूँगा। अब ये मैं एक हाथ से शूटिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बांध के दिखा देता हूँ, बाद में पूरा दिखाऊँगा इसको। ये मैं ऐसे बांध के दिखा देता हूँ आपको। इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया है और बांध दिया है। इसके ऊपर से मैं एक और थैली रैपर से बांध लूँगा इसको और ऐसे रहने दूँगा। इसका रिजल्ट मैं अगली वीडियो में दिखाऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपना गार्डन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।